हेलो जी। तो आज देखिए, मैं आपको साड़ी में दिखाई दे रही हूँ। इनको बहुत अच्छा लगता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ। इसका ब्लाउज तो नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी मैंने मैचिंग करके पहना हुआ है। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि कैसी दिख रही हूँ मैं साड़ी में। और ये तो हमेशा चाहते हैं कि मैं साड़ी वगैरह पहन करके रहूँ, लेकिन नहीं रह पाती हूँ। और आज मैंने पहनी है, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सिल्क की ये साड़ी है और इसमें बूटियां हैं गोल्डन कलर की और ग्रीन कलर के, जो इससे बहुत ही अच्छा लुक आया हुआ है। साथ में इसमें मस्टर्ड कलर का दिया हुआ है। मैं देखो फ्लैश ऑफ करके दिखाती हूँ, मस्टर्ड कलर का दिया हुआ है। ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। सारे में नीचे तक नीचे में इसमें सारे में इस तरीके का बॉर्डर है। और इसकी ब्लाउज में दिखाती हूँ, सबसे सुंदर साड़ी लगी है मुझे ये। ब्लाउज में आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले आप इसका ये देखिए। पल्लू पल्लू गोल्डन और ग्रीन कलर का है, जिसका गेटअप बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और साड़ी वाकई बहुत अच्छी है, बहुत ही लाइट वेटेड है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है। ये इसका ब्लाउज दिया हुआ है ग्रीन कलर का, और साथ में इसमें मैं दिखाती हूँ बूटी दी हुई है। इस तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है ब्लाउज का, ये देखिए। वाकई बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इससे, और दिखने में पहनने में बहुत अच्छी है ये। डार्क ग्रीन कलर का, एक्चुअली फोटो में थोड़ा कलर अलग है, और इस पे छोटी छोटी बूटियां हैं, ये देखिए रेड कलर की हैं। पूरा सितारे वाला वर्क है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको चुभेगा। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊं तो ये देखो बहुत ही अच्छा वर्क है, मतलब जैसे मैंने सोचा था उससे अच्छा ही है। और साइज इसमें आपको मिल जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से इसमें इलास्टिक आती है लगी हुई, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल है। जॉर्जेट कपड़ा है ये, चुभेगा नहीं बिल्कुल भी। और इसकी अंदर लाइनिंग की बात करूं मैं तो ये देखिए इस तरीके से इसमें केन लगी हुई है, सेंटून लगा हुआ है साथ में, जो कि चुभता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। केन इस तरीके से लगी हुई है, केन इस वजह से लगाई है ताकि ये फूला फूला रहे। तो ये देख सकते हो आप कितना अच्छा है, और मैं इसको पहन भी आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग अभी पार्टी के पर्पस से या कोई फेस्टिवल के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है। जितना फोटो में ही दिख रहा है उससे डबल ये अच्छा है, देख सकते हो आप इसका वर्क। ये देखिए डार्क ग्रीन कलर है, ये साइज इसमें अवेलेबल है। आज की बात करूं तो ये रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, ये देखिए इसमें इस तरीके से वर्क है। ये इसका ब्लाउज है, इस पर ये पूरा दिया हुआ है जिस तरीके से आपको बनाना है, मतलब पूरे में वर्क दिया हुआ है, साथ में बूटियां दी हुई हैं बैक के लिए भी और फ्रंट के लिए भी, पूरा वर्क है। बाजुओं पर बूटी दी हुई है इसमें, और इसका जो दुपट्टा है साथ में वो दुपट्टा रेड कलर का है। ये देखिए दुपट्टे पे वर्क है, दुपट्टा पूरा नेट का है, चारों तरफ इसके बॉर्डर दिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये है नेट का, बहुत ही सुंदर लुक है इसका, काफी अच्छा है। लहंगा ये है, ये आप देख सकते हैं इसका वर्क कितना प्यारा है,
ब्राइडल लहंगा है, आप पहन सकते हो आराम से, या किसी फंक्शन में, पार्टी में, इसमें भी इजीली पहन सकते हो। इसका बॉर्डर देखेंगे आप तो ये देखिए, नीचे पूरा सितारा वर्क दिया हुआ है इसमें। चुभने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहनने के बाद में चुभेगा, नहीं। कुछ सितारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चुभते हैं, वो ये नहीं है। ऊपर से देखिए इसकी जो शेप है बहुत अच्छी आती है पहनने के बाद में, मैं पहन के भी आपको दिखाऊंगी इसे। वर्क इसका सच में ही बहुत प्यारा है, और मरून और गोल्डन का वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी आपको लाइनिंग जो मिलेगी, सेंटून जो होता है, सेंटून की ही लाइनिंग मिलेगी आपको इसमें। ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छा वाला लाइनिंग लगी हुई है, साथ में केन केन है। ये देखिए केन केन से क्या होता है, गेटअप बहुत अच्छा आता है। और इसके मैं दुपट्टे की बात करूँ तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी गोटा वर्क है। ये देखिए पूरा नेट का दुपट्टा है, बीच में एम्ब्रॉयडरी है सारे में, इसी तरीके से बहुत ही सुंदर दुपट्टा है सारे में, चारों तरफ ये वर्क दिया हुआ है इसमें। और रेट भी इसके रीजनेबल हैं, जाकर के एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। इसका मैं ब्लाउज़ दिखाती हूँ आपको, इसकी ब्लाउज की बात करूं तो ये भी बहुत सुंदर है, जॉर्जेट में है कपड़ा, ब्लाउज का जॉर्जेट में दिया हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों में वर्क है, ये देखिए ये बैक का दिया हुआ है, ये फ्रंट का दिया हुआ है, बाजुओं में पूरे में वर्क है, और साथ में ब्लाउज के लिए भी लाइनिंग है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो अंदर लहंगे में जो लगा हुआ है कपड़ा लाइनिंग के लिए, वो ये वाला कपड़ा है। आगे का वर्क है, मतलब एम्ब्रॉयडरी है इसमें, और साथ में स्टोन लगे हुए हैं। बॉर्डर इसका पूरा मोती और स्टोन से भरा हुआ है। ये देखो बहुत ही अच्छा, मतलब गेटअप आ रहा है, पार्टी वियर साड़ी है ये एकदम। अब बिल्कुल सिंपल, हैवी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा लुक आएगा पहनने के बाद में। और जो बीच में जैसे धागा वर्क दिया हुआ है, इसकी तो लुक है, लेकिन इससे ज़्यादा ये इसका मतलब क्या बोलूँ इसके बारे में, इसकी कीमत को दुगना कर रहा है। और इसका चलिए ब्लाउज दिखाती हूँ, और साइड बीच में से जो है वो जो मैंने आपको पहले दिखाया है वो पल्लू है, और जो बीच में है ये बिल्कुल प्लेन है, और नीचे की तरफ इसमें बॉर्डर है, क्योंकि इस पे आगे की तरफ जब पहनेंगे हम, इसमें प्लेटें जो आएंगी एम्ब्रॉयडरी की आएंगी, और लुक इससे ही आएगा। तो मैं और दिखाती हूँ, इसमें पल्लू पे भी चारों तरफ इस तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है। ये ब्लाउज का कपड़ा है रो सिल्क, साड़ी का कपड़ा है जॉर्जेट, और ब्लाउज के बॉर्डर पे पूरे पे ये है, दोनों तरफ ये दिए हुए हैं। ये देखो कपड़ा बहुत अच्छा है, रो सिल्क शाइनिंग वाला होता है, पहनने के बाद में अच्छा लगता है, कलर इसका फेड नहीं होता है, जॉर्जेट का भी सेम कलर फेड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इस कपड़े को। और ये देखिए, तो बताइएगा कैसी लगी हैं ये साड़ियाँ आपको, लहंगे। Hey!
इस पे ये देखिए कॉम्बिनेशन कितना प्यारा दिया हुआ है, और इसमें पिंक कलर के ये बीच में जो फूल दिए हुए मजेंटा कलर के, इससे लुक बहुत अच्छी आ रही है। ये पूरी ग्रे कलर की है बीच में से, नीचे बॉर्डर है, और इसका जो पल्लू है ये देखिए बहुत ही प्यारा पल्लू है, इससे लुक बहुत अच्छी आ रही है। और इसका ब्लाउज जो है ये है, तो इसके साथ में ब्लाउज़ में भी ये बॉर्डर दिया हुआ है, क्योंकि ग्रे का कॉम्बिनेशन है साथ में, तो ग्रे कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है प्लेन ब्लाउज के साथ में। तो मेरे चैनल कैसे हो आप लोग, तो आपने देखी ये जितनी भी साड़ियाँ और लहंगे मैंने आपको दिखाए हैं, 2 लहंगे और 3 साड़ियाँ तो ये मैंने मंगाई है टिकोदी से। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा क्या, वैसे तो साड़ी बहुत अच्छी हैं और लहंगे भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं वहाँ से परचेज करने के लिए, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उनकी साइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप मंगा सकते हैं, रेट भी बहुत रिजनेबल हैं, और सबसे बड़ी बात तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लहंगे जो हैं वो दोनों जॉर्जेट में हैं, काफ़ी अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा आया है। इवन मुझे ग्रीन और रेड लहंगा बहुत अच्छा लगा, जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। पिंक वाली साड़ी भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली वैसे तो मैंने ना फेस्टिवल के पर्पज़ से ही मंगाए थे कि रेड और ग्रीन कलर चलेगा, मरून कलर अच्छा लगेगा, तो मैंने लहंगे और साड़ी इसी पर्पज़ से मंगाए थे, लेकिन ये सभी के सभी अच्छे हैं। इवन ये जो मैंने लास्ट में आपको पहन के दिखाई है ये भी अच्छी है, कहीं छोटी मोटी पार्टी में जाना है या आप स्कूल भी जाते हैं तो भी इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और क्योंकि अब फेस्टिवल होली आ ही रही है और भी शादियों के सीज़न भी चल रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वहाँ से तो कुछ भी आप परचेज कर सकते हो। और जो मेरे वीडियो पे बिल्कुल ही नए आए ना, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ आपको मेरे व्लॉग मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।